Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, today we are going to learn about string function and ye string function jo hai hame ye batayega ki kaun sa shabd kitne number pe hai aur uski point kya hai, exact point kya hai. Jaise agar main baat karu yahan pe main ek record ko open kar leta hu, jaise maan lijiye ye m hai, theek hai, to ye m jo hai kitne number pe hai, 1 2 3, ye bracket wala option 3 number hai aur ye fir 4 number hai, to ye 4 number pe hai. तो ये हमें पता करना है और ये भी पता करना है कि चार नंबर पे कौन सा जो अल्फाबेट है वो लिखा हुआ है, ये पता करना है. तो इसी को हम सीखेंगे आज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इंसर्ट करा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें इंसर्ट करा लेंगे हम लाइन बाई लाइन. तो यहाँ तक आ चुके हैं हम, केमिस्ट्री टोटल मार्क्स परसेंटेज. अब यहाँ पर आना है हमें किनारे और यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, और क्लिक करने के बाद ब्रैकेट की पोजीशन हमें पता करनी है. किस में ब्रैकेट की पोजीशन पता करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ. देखिए स्टूडेंट नेम जो लिखे हुए हैं ना, उन्हीं में हमें ब्रैकेट की पोजीशन पता करनी है. अगर कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है. इन छोटे छोटे चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप डेटाबेस में स्कॉलर बनना चाहते हैं. तो चलिए आइए जानते हैं इसको. सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट पोजीशन, यानी बीआर पोजीशन मैं लिख देता हूँ, बीआर पॉस, ठीक है, कोलन लगाता हूँ और कोलन लगाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इन एसटीआर, इन स्ट्रिंग कर दिया मैंने, और उसके बाद लगाइए आप स्मॉल ब्रैकेट और फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट के बाद. अब यहां लिखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम को लिखने के बाद हमें क्या करना है, कॉमा देना है, कॉमा दे दिया हमने. अब हमें लगाना है डबल यूनिटेड कोट्स, तो डबल यूनिटेड कोट्स दे दिया हमने. डबल यूनिटेड कोट्स देने के बाद अब हम लगा देंगे ब्रैकेट, तो ये मैं अभी ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है. इसके बाद मैं क्लोज ब्रैकेट के बारे में भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले ओपन ब्रैकेट. अब इसको कर दीजिए बंद, डबल इंटेड कोर्स जो आपने ओपन किया था इसको बंद करने के बाद आप स्मॉल ब्रैकेट को भी कर दीजिए क्लोज, ठीक है. ये हमने कर दिया, हमारा काम हो चुका है, ठीक है. अब हमें सिंपली इसको रन करवाना है, तो ये रन करवा दिया हमने, ठीक है. अब यहाँ पे जो भी नंबर हमने दिए हैं, अब जैसे ये ब्रैकेट का पोजिशन है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ M के ठीक पहले, देखिएगा ध्यान से, M के ठीक पहले मैंने ब्रैकेट लगाया है और जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहाँ ब्रैकेट पोजीशन पर पहले पॉइंट पर आप देखिएगा क्या होगा. यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 लिखा हुआ आ गया, 3 लिखा हुआ आ रहा है. तो ये क्या है, तीसरे नंबर पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये यही बता रहा है, ठीक है. आई होप की बात समझ में आ रही होगी. अब जैसे मान लीजिए यहाँ H के ठीक पहले लगा दीजिए आप, ठीक है, और जैसे ही बाहर आइएगा तो ये 7वें नंबर पर ब्रैकेट लगा हुआ है. M के ठीक पहले ब्रैकेट लगा दीजिए, तो ये बाहर जैसे ही आइएगा तो ये 6वें नंबर पर लगा हुआ है. यहाँ उज्जवल लिखा हुआ है तो J के जस्ट बाद लगा दीजिए. ओपन ही ब्रैकेट लगाइएगा, क्लोज ब्रैकेट लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है. क्लोज ब्रैकेट के बारे में भी अभी आपको बताता हूँ मैं. तो ये हो गया हमारा काम, बहुत ही आसान, ठीक है. अब एक और स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे व्यू में जाते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिर्फ लिख देता हूँ पॉस पोजीशन, ठीक है, और कोलन लगा देता हूँ. और अब यहाँ मिड के पॉइंट्स हमें जानने हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला एम आई डी मिड, ठीक है, और हमें लगाना है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट में स्टूडेंट नेम को ही हम बनाएंगे आधार. तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट नेम, ये लिख दिया हमने, बंद करेंगे इसको, स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करने के बाद कॉमा दीजिए. अब ब्रैकेट पोजीशन को आप ले लीजिए, ठीक है, मैं लिखता हूँ बी आर पॉस, ठीक है, तो ब्रैकेट यहाँ पॉस लिखेंगे, ब्रैकेट पोजीशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. तो इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद हमें क्या करना है, बंद करने के बाद हमें यहाँ लिखना है प्लस 1, ठीक है, कॉमा 1, ये लिख दिया हमने. और अब कर दीजिए स्मॉल ब्रैकेट को बंद, यानी छोटे वाले ब्रैकेट को आप बंद कर दीजिए, और यहाँ रन पे क्लिक कर दीजिए. तो यहाँ देखिए तीसरे पॉइंट पर M है,
आपको नहीं विश्वास होता, देखिए ये तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के प्लस वन यानी जस्ट बात क्या है, एम है, ठीक है। यहाँ पर सातवें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए खाली है। अगर मैं ये गैप हटा दूँ तो ये एस दिखाएगा, जैसे ही मैंने गैप हटाया इंटर किया तो यहाँ एस दिखाने लगा, आप देख सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रिंग फंक्शन, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए खूब, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।